हेलो एवरीवन, सो हम सभी ने ईबीएस चैप्टर नंबर 4 के हार्ड वर्ड्स रीड किए थे। अब मैं आप सबको चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो हमारे चैप्टर का नाम है प्लांट प्रोडक्ट्स। ओके, प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, फर्स्ट पेज हमारा है लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, स्टार्ट करें हम लोग। कलर द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ अ फ्रूट बाउल एंड फिल इन द मिसिंग लेटर टू फ्रॉम नेम ऑफ फ्रूट्स। जो भी बाउल में जो फ्रूट्स है उनके कुछ नेम्स आप सभी के पास है, तो उस नेम को आपको उसमें फिल करना है, जो भी बॉक्सेस में फिल करना है। वी नीड फूड टू स्टे हेल्दी, बट वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम, लेट अस फाइंड आउट। हमको फूड की बहुत नीड होती है और वो हमें बहुत हेल्दी बनाते हैं, बट वो सब कैसे हमारे पास आते हैं, हमको कैसे मिलते हैं, कैसे हमको उसको फाइंड आउट करना होता है, वो मैं आप सभी को बताऊँ। ओके, सो फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड कहाँ से मिलता है हमको? प्लांट्स से। ओके, मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट। वी गेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम फ्रॉम द प्लांट। बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द क्या मतलब, ऑलमोस्ट मान लो कि सारे फ्रूट्स हमको कहाँ मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, है ना। जो हम खाते हैं वो सारे हमको प्लांट से मिलते हैं। वी गेट वेजिटेबल एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमको कहाँ किससे मिलते हैं? प्लांट से। वी ऑल्सो गेट सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस एंड ऑयल फ्रॉम प्लांट। ओके, वी ऑल्सो गेट और सारी चीज़ें भी हमको, जैसे सीरियल्स मीन्स होता है अनाज, है ना, जैसे गेहूँ होते हैं, चावल होते हैं, जो भी अनाज हम खाते हैं वो, तो सीरियल्स मीन्स होता है अनाज। पल्सेस मीन्स होता है दाल, जो भी हम दाल खाते हैं ना वो। और स्पाइसेस सारे जो मसाले होते हैं, ऑयल्स ऑयल होते हैं, वो सारे भी हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। ओके, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेजिटेबल्स। ओके, वी गेट वेजिटेबल्स सच एज टमेटो, ब्रिंजल एंड कुकुम्बर फ्रॉम प्लांट्स। वेजिटेबल्स भी होती है जो हमको प्लांट से मिलती है, कौन सी? टोमेटो, ब्रिंजल और ककुम्बर, है ना। ककुम्बर आप सभी को पिक्चर में दिख रहा है कि एक ककड़ी के टाइप का होता है ये, इसको बोलते हैं ककुम्बर, है ना। तो ये भी है टोमेटो, ब्रिंजल और ककुम्बर, है ना। ये तीनों होते हैं जो वेजिटेबल्स हमको, जो वेजिटेबल्स के प्लांट्स होते हैं उनसे मिलते हैं। वी ईट रूट्स, स्टेम्स, लीव एंड फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स इज वेजिटेबल्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम रूट्स मीन होता है जड़े, स्टेम्स मीन्स होता है थोड़ा सा ऊपर वाला उसका तना वाला हिस्सा, लीव्स होती है जो पत्तियाँ होती है, फ्लावर होते हैं जो आप सभी को पता है कि फ्रूट्स में फ्लावर होते हैं, और जो प्लांट्स के फ्रूट, फ्लावर्स, स्टीम, रूट्स होते हैं उनको भी हम ईट करते हैं, वो भी हमारे खाने में आती है और वो भी हमारे फूड का काम करती है। कैसे? फर्स्ट है हमारा वेजिटेबल में, फर्स्ट टॉपिक हमारा है रूट्स वी ईट। अब हम कौन कौन सी रूट्स है जिनको हम खाते हैं, है ना। कैरोट, रेडिश, बीट रूट एंड टर्निप एंड आर सम ऑफ द रूट्स दैट वी ईट। कैरोट दिख रहा है आप सभी को, गाजर खाते हैं, बट ये रूट होती है, ये ऊपर ग्राउंड पे ऊपर नहीं होती है, इनसाइड होती है, ग्राउंड के इनसाइड अंदर की तरफ, ज़मीन के अंदर की तरफ ये ग्रो करती है ना। तो ये रूट्स हुई, जो भी जैसे हम कोई भी छोटा सा सीड बेबी प्लांट बनाते हैं ना, तो बेबी प्लांट में हम जब उस सीड को ग्राउंड के अंदर रखते हैं तो वो छोटा सा बेबी प्लांट बनता है, जब रूट्स होती है वो ग्राउंड के अंदर होती है, तो कैरोट भी रूट्स होती है जो ग्राउंड के अंदर होती है। तो ये भी एक ऐसी वेजिटेबल है कि रूट कहने के लिए रूट है, बट हम इसको ईट करते हैं। ओके, रेडिश मूली आप सब खाते हो, बीट रूट शलगम, सॉरी बीट रूट ही होता है वो, आप सभी को पिक्चर में दिख रहा है ना बीट रूट, इसको भी हम खाते हैं। टर्निप होता है शलगम, वो भी हम खाते हैं। तो ये सारी रूट्स हैं जिनको हम ईट करते हैं। फिर आता स्टेम्स वी ईट, जो रूट्स के बाद जो सेकंड पार्ट होता है प्लांट का, उसको भी हम खाते हैं। कैसे? पोटैटो, जिंजर
एंड शुगर केन आर सम ऑफ द स्टेम्स दैट वी ईट। पोटेटो होता है वो थोड़ा सा ऊपर निकलता हुआ होता है ना, ग्राउंड से टच होता है बट वो अंदर ही रहता है, उसके स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको भी हम ईट करते हैं। जिंजर अदरक को भी हम खाते हैं, और शुगर केन, शुगर केन देखा आप सबने, स्टेम्स की तरह दिखता है शुगर केन, उसको भी हम ईट करते हैं। तो ये स्टेम्स में आते हैं सारे पार्ट्स। ओके नेक्स्ट है हमारा लीव्स वी ईट। अब कौन कौन से लीव्स, लीव्स को क्या खाते हैं हम लोग, पत्तियाँ जो होती हैं उनको खाते हैं, बट प्लांट्स की कुछ वेडिटेबल्स, कुछ लीव्स ऐसी होती है जिनको हमको खाना होता है, उनको खाते हैं। तो फर्स्ट हमारा लीव्स वी ईट, स्पिनाच, कैबेज एंड कोरिएंडर आर सम ऑफ द लीव्स दैट वी ईट। ओके स्पिनिच, कैबेज एंड कोरिएंडर आर सम ऑफ द लीव्स दैट वी ईट। स्पिनाच, स्पिनाच होता है मेथी होती है ना, उसको बोलते हैं। फिर होता है कैबेज, कुछ लीव्स भी होती है उनको भी हम खाते हैं, जैसे आप सभी ने देखा होगा मेथी होती है उसको हम खाते हैं, स्पिनाच, पालक उसको हम खाते हैं, कैबेज, ये भी सारी लीव्स, कैबेज को जब हम ऐसे ओपन करते हैं तो वो बहुत सारी लीव्स लीव्स निकलती रहती है उसमें से, कोरिएंडर उसको भी हम खाते हैं। तो ये सारी लीव्स है जो भी जिसको भी हम ईट करते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा फ्लावर्स वी ईट। अब कुछ फ्लावर्स होते हैं उनको भी हम खाते हैं, क्या फ्लावर्स को भी खाता है, आप सभी ने देखा होगा कभी हम फ्लावर को नहीं खाते, बट प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट, कुछ प्लांट्स में से फ्लावर्स होते हैं जिनको हम ईट करते हैं, वो हमारे लिए बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं हमारे। तो फर्स्ट है हमारा कलीफ्लावर, कलीफ्लावर आप सभी को दिख रहा है, इसको हम ईट करते हैं ना, ये हम वेजिटेबल में काउंट करते हैं बट ये जब भी प्लांट पे होता है तो ये फ्लावर की होता है। ब्रोकली, ब्रोकली भी एक तरह की गोभी होती है, जैसे कैबेज को भी हम गोभी बोलते हैं और कलीफ्लावर को भी हम गोभी बोलते हैं, और ब्रोकली एक ग्रीन कलर की गोभी होती है ना, ये सारी एक ही है कहने के लिए बट इन ये अलग अलग टाइप्स की है। ओके एंड बनाना फ्लावर, बनाना फ्लावर होते हैं उसकी, उसको भी हम ईट करते हैं, है ना। आर सम ऑफ द फ्लावर्स दैट वी ईट, ये कुछ फ्लावर्स भी होते हैं जिनको हम ईट करते हैं। ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रूट्स। फ्रूट्स आप सभी को पता है फ्रूट्स क्या होते हैं, और फ्रूट्स हम मोस्टली सारे फ्रूट्स को हम ईट करते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके तो फर्स्ट हमारा ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी आर सम ऑफ द फ्रूट्स दैट वी ईट। ये फ्रूट्स होते हैं जिनको हम ईट करते हैं, ऑरेंज ईट करते हैं, मैंगो ईट करते हैं, पाइनएप्पल ईट करते हैं, स्ट्रॉबेरी भी ईट करते हैं। फ्रूट्स आर यूज टू मेक जैम्स, जूसेस, जेलीज एंड पिकल्स। अब जो फ्रूट्स होते हैं इनको भी हम अलग अलग टाइप से यूज़ करते हैं। देखो फ्रूट्स का हम जैम बनाते हैं, आप सभी को पता होगा जैम सबको बहुत अच्छा लगता है ना, यम्मी यम्मी सा होता है, तो वो जैम बनता है। जूस बनते हैं, सारे फ्रूट्स जो होते हैं उनके जूस बनते हैं। जेली बनती है, सबको पता होगा कि फ्रूट्स की जेली फ्रूट्स की ही बनी हुई होती है। और पिकल, पिकल्स में होता अचार है ना, अचार भी फ्रूट्स का ही बनता है, मैंगो का बनता है ना, कच्चा आम जो होता है उसका पिकल बनता है, पिकल में होता है अचार। ओके वी ऑल्सो गेट ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। ड्राई फ्रूट्स आप सभी को पता है कि ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, एक तो होता है फ्रूट जो प्लांट से मिलते हैं, और ड्राई फ्रूट होते हैं आप सभी पता होगा काजू, बादाम, किशमिश है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं इनको बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स, बट ये भी हमको प्लांट से ही मिलते हैं। विदाउट प्लांट हमको कोई भी चीज़ें नहीं मिल सकती है ईट करने के लिए, तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी हमको प्लांट से मिलते हैं। वी ऑल्सो गेट ड्राई फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स। ड्राई फ्रूट किससे मिलते हैं हमको, प्लांट से। कैश्यू नट, आलमंड एंड वॉलनट आर सम ऑफ द ड्राई फ्रूट दैट वी ईट। कैश्यू नट्स मीन्स होता है काजू, हम सब खाते हैं, पिक्चर में आप सभी को शो भी हो रहा है। आलमंड, बादाम हम खाते हैं, और वॉलनट का होता है अखरोट, वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, तो उसको भी हम ईट करते हैं। नेक्स्ट है रिविजन द रिकॉल। ओके रिवाइज एंड रिकॉल। अब आप सभी को बताना मैच द पिक्चर विद देयर नेम बाय ड्राइंग लाइन। आप सभी को लाइन ड्रॉ करना है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपको सेल्फ करना है। ओके फ्लावर्स हमारे पास स्पिनाच, वॉलनट, ब्रोकली, पोटेटो और
बीटरूट, सॉरी टर्निप है ये, शलगम है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इनको आपको मैच करना है कि कौन सी रूट से, कौन से ड्राई फ्रूट से, कौन से फ्लावर है, स्टेम से और लीफ है, इन सब के बारे में आपको सेल्फ करना है और आपको उससे मैच करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल्स में मैंने आप सभी को बताया कि अनाज होता है ना, और पल्सेस में होती है दालें, जो भी हम दाल बनाते हैं उसको बोलते हैं पल्सेस। वी ईट सीड ऑफ सम प्लांट्स लाइक राइस, वीट एंड बेली। ओके, अब होता है कि सीड्स, वी ईट ऑफ सम प्लांट्स लाइक राइस, वीट एंड बेली। कुछ प्लांट्स के सीड्स होते हैं जिनको भी हम खाते हैं, पता है आप सभी को कि सीड्स को कभी कोई खाता है क्या? नहीं। मैंगो की सीड होती है तो हम क्या खाते हैं? नहीं। बट कुछ सीड्स ऐसी होती है जिनको हमको ईट करना होता है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। वी ईट सीड ऑफ सम प्लांट्स लाइक राइस, वीट एंड बेली। दिस आर कॉल्ड सीरियल्स ऑफ और फूड ग्रेन्स, है ना, उसको बोलते सीरियल्स या फूड ग्रेन्स। मतलब वो जो वीट होता है, राइस होता है, वो बोलते हैं, है ना। तो ये सारे जो सीड्स होते हैं वो भी हम खाते हैं। राइस, राइस देखा आप सबने, राइट, वाइट कलर का होता है ना, तो वो जब उसका प्लांट लगाते हैं ना, तो उस राइस को ही लगाते हैं, तब वो प्लांट बनता है, तो उस राइस को तो हम सीड कहेंगे, तो सीड को भी हम खाते हैं। वीट होता है, वीट का भी एक सीड होता है जिसको लगाने के बाद ही वीट का प्लांट बड़ा होता है, बट लगाते तो हम उस सीड को ही है वीट का, तो ये भी सीड ऐसा है जिसको हम खाते हैं। अब नेक्स्ट है, सीड ऑफ सम प्लांट्स आर कॉल्ड पल्सेस। सीड, कुछ प्लांट्स के सीड होते हैं जिनको हम पल्सेस बोलते हैं। बैंगल ग्राम, ग्रीन ग्राम एंड कैन बीन्स, कैंटी बीन्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस। ये कुछ पल्सेस के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ सीड से पल्सेस के भी कुछ सीड हैं उनके एग्जाम्पल हैं। जैसे ये होता है बैंगल ग्राम्स, ग्रीन ग्राम्स और कैंडी बीन्स। कैंडी बीन्स में होता है राजमा, है ना, और ये ग्रीन ग्राम्स होती है मटर होती है, और बीन्स बोलते हैं मटर को तो। बट ये आप सभी ने देखी होगी, ये भी कुछ सीड्स होती हैं जिनकी दाल जैसे बनाते हैं ना, मूंग की दाल बनाती है मम्मा आपकी, तुअर की दाल बनाती, ये वो उन्हीं के पार्ट्स है ना ये है। तो ये जो पल्सेस होती है ये भी एक सीड होता है जिसको हम ग्राउंड में लगाते हैं और वो फिर प्लांट बनते हैं, तो ये वो सीड्स हैं जिनको हम ईट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टी, कॉफ़ी एंड शुगर। ओके, टी आप सभी को पता है चाय, कॉफ़ी भी आप सभी को पता है कॉफ़ी होती है, और शुगर, शुगर मीन्स होता है शक्कर, शक्कर को बोलते हैं शुगर। ओके, वी गेट टी, कॉफ़ी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स। टी इज़ मेड फ्रॉम टी लीव्स, कॉफ़ी इज़ मेड फ्रॉम कॉफ़ी सीड्स एंड शुगर इज़ मेड फ्रॉम द शुगर कैन प्लांट। ओके, अब टी, कॉफ़ी और शुगर ये भी प्लांट से बनती है, कैसे बनती है? टी लीव्स होती है, आप सभी को यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है, जहाँ स्पेलिंग लिखा हुआ है TEA, टी की लीव्स होती है उनसे टी बनती है। कॉफ़ी बनती है, जो कॉफ़ी के सीड्स होते हैं उनसे उनको सारे क्रश करके कॉफ़ी बनती है, और शुगर केन जो गन्ना होता है शुगर केन, उससे शुगर बनती है। ओके, तो ये भी सारे प्लांट से बनती है, लीव्स होती है उनसे टी बनती है, कॉफ़ी के सीड्स होते हैं उनसे कॉफ़ी बनती है, और शुगर केन का प्लांट जो होता है उससे शुगर बनती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ऑयल। सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स सच एज कोकोनट, ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड आर यूज टू गेट ऑयल। ओके, अब कुछ होते हैं प्लांट जिनसे ऑयल भी मिलता है। ऑयल आप सभी को पता है ना, कोकोनट ऑयल होता है, नारियल का तेल, ग्राउंड नट होता है मूंगफली का तेल, और मस्टर्ड होता है सरसों का तेल। ओके, तो ये सारे ऑयल्स होते हैं, तो ये भी हमको प्लांट से मिलते हैं। कोकोनट आप सभी ने देखा होगा, नारियल उसको बोलते हैं नारियल, उसका भी ऑयल होता है, नारियल का पेड़ भी आपने बड़ा सा ट्री देखा होगा नारियल का, वो होता है, तो उससे हमको ऑयल मिलता है कोकोनट ऑयल। ग्राउंड नट, मूंगफली, ग्राउंड नट मीन्स होता है मूंगफली, मूंगफली का भी ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है सरसों का तेल, है ना। तो ये सारे ऑयल्स होते हैं। स्पाइसेस, स्पाइसेस
स्पाइसेस में तो होते हैं मसाले, है ना। मसाले क्या होते हैं, जैसे हम मम्मा खाना बनाती है तो उसमें बहुत सारे नमक मिर्ची हल्दी धनिया जो सब भी मम्मा खाने को स्पाइसेस बनाने के लिए होती है ना, वो सारे होते हैं मसाले, है ना, जो हम वेजिटेबल्स बनाते हैं उसमें ऐड करते हैं। ओके, प्लांट्स ऑल्सो गिव अस स्पाइसेस, प्लांट्स भी स्पाइसेस भी प्लांट्स से ही मिलते हैं। स्पाइसेस आर द डिफरेंट डाइट ट्राइड पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट आर एडेड टू द फूड फॉर टेस्ट, है ना। जो स्पाइसेस होते हैं वो भी हमको प्लांट से मिलते हैं, वो हमारे फूड का टेस्ट बढ़ाते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स उसमें टेस्ट आता है। टर्मरिक, टर्मरिक मीन्स होता है हल्दी, आप सभी ने देखा होगा टर्मरिक मीन्स होता है। पेपर मीन्स होता है काली मिर्ची, हम बोलते हैं ना पेपर, वो भी मिर्ची होती है। क्यूमिन, क्यूमिन मीन्स होता है जीरा। क्लोव्स में होता है लौंग, तो टर्मरिक पेपर क्यूमिन सीड्स एंड क्लोव्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्पाइसेस, है ना। टर्मरिक और ये सारी चीज़ें भी क्या है, स्पाइसेस के कुछ एग्जाम्पल्स है ना। लौंग आप सभी को दिख रहा है पिक्चर में शो हो रहा है, क्लोव्स, क्लोव्स को मीन्स होता है लौंग, और टर्मरिक भी आप सभी को दिख रही है कि हल्दी को बोलते हैं हम टर्मरिक। ओके, तो आवर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। शॉर्ट फॉर्म में आप सभी को मैं बता देती हूँ कि प्लांट्स होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जो भी हम फूड ईट करते हैं वो सारी चीज़ें हमको प्लांट से मिल, इसलिए हमारे चैप्टर का नाम है प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट्स जो हमको प्रोडक्ट्स देते हैं। जैसे हमने फर्स्ट में रीड करा था कि वेजिटेबल्स होती है, वेजिटेबल्स आप सबने देखी है, वेजिटेबल्स की रूट्स होती है, वेजिटेबल्स की रूट स्टेम्स और फ्लावर्स और सबको हम ईट करते हैं। जैसे यहाँ वेजिटेबल्स दिख रही है टोमेटो ब्रिंजल और ककुम्बर, इन सबको हम ईट करते हैं। यहाँ है अब प्लांट की रूट्स को भी हम ईट करते हैं, तो रूट्स में आती है हमारी कैरोट रेडिश बीट रूट, फिर होता है स्टेम्स होता है। अब आप बोलोगे क्या प्लांट्स के स्टेम्स को क्या हम ईट कर सकते हैं, करते हैं हम। पोटेटो जिंजर शुगर केन इन सबको हम ईट करते हैं। फिर लीव्स होती है, लीव्स को भी हम ईट करते हैं। फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स को भी हम ईट करते हैं। फ्रूट्स को तो आप सभी को पता है कि हमको ईट ही करना होता है, पर फ्रूट से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैम्स जूस जेली पिकल्स ये सारे बनते हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना जब वो हमको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो वो ड्राई फ्रूट्स भी हमको प्लांट से मिलते हैं। फिर होते हैं सीरस एंड पल्सेस, जो गेहूँ होते हैं चावल होते हैं वो सारे भी हमको प्लांट से ही मिलते हैं। वो कुछ सीड्स होते हैं, उन सीड्स से ही प्लांट बनता है, तो हम सीड भी खाते हैं, है ना। फिर होता है टी कॉफ़ी, टी कॉफ़ी शुगर वो भी हमको प्लांट से मिलती है। ऑयल्स जो सारे होते हैं वो भी हमको प्लांट से मिलते हैं। स्पाइसेस मसाले जो होते हैं वो भी हमको प्लांट से होते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले तो हमको जितनी भी हमारी ईट करने वाले सारे फूड आइटम्स हैं वो सारे हमको प्लांट से मिलते हैं। तो प्लांट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और उन्हीं से हमको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप सभी को पता होगा, मैंने बता दिया है कि प्लांट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो भी चीज़ें हमको प्लांट से मिलती है वो मैंने आप सभी को बता दिया है। ओके, सो अवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड।